हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं कि सर हमें बीएमएस के अंदर एडमिशन लेनी है, बीएचएमएस के अंदर एडमिशन लेनी है, तो एडमिशन लेने का प्रोसेस एक्चुअल में है क्या? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बीएमएस बीएचएमएस यानी कि किसी भी आयुर्वेदिक कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हो, आयुर्वेदिक कोर्सेज करना चाहते हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर करना चाहते हो या प्राइवेट कॉलेज के अंदर करना चाहते हो, तो उसका क्या जो है वो प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे आपको इन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशन मिल सकती है, काउंसलिंग के कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि इस वीडियो की डिटेल ऑलरेडी मैं एक पहले बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैं अकेले अकेले प्रोसेस को अच्छे से समझाया, डिटेल में समझाया कि फर्स्ट राउंड में आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, सेकंड राउंड में कैसे करनी है, थर्ड राउंड में कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या फ्री एग्जिट होता है, क्या आपका कब फ्री एग्जिट कर सकते हो, कब फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, फ्री एग्जिट एक्चुअल में होता है, सब कुछ उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बता रखा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हल्का फुल्का ऊपर से टच दे दूंगा कि एक्चुअल में जो आपको एडमिशन का प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। सारी स्टेट्स के बारे में बात करेंगे और गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, कैसे या कैसे आपको जो एडमिशन का प्रोसेस अपना कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आयुष काउंसलिंग 2024 को लेकर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो आयुष काउंसलिंग होती है, ठीक है, ये जितने भी आयुर्वेदिक कोर्सेज है वो आयुष काउंसलिंग ही कंडक्ट करवाती है। जितने भी आप आयुष काउंसलिंग कौन सा कंडक्ट करवाती है, जितने भी आप आयुर्वेदिक कोर्सेज करना चाहते हो, चाहे वो बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, तो सारे के सारे जो है वो आयुष काउंसलिंग के अंडर आते हैं। अब आयुष काउंसलिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास सेंट्रल आयुष काउंसलिंग और दूसरे नंबर पर हमारे पास होती है स्टेट आयुष काउंसलिंग। अब दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो आयुष काउंसलिंग की जो सेंट्रल आयुष काउंसलिंग, उसकी वेबसाइट होती है AAACC, जिसको हम क्या बोलते हैं AAACC। उसके बाद AAACC के अंदर एक्चुअल में आता क्या, तो सबसे पहले नंबर पर आता है जितने भी ऑल इंडिया कोटा है, 15% कोटे की जो सीट्स है वो AAACC के थ्रू फिल होती है, यानी कि पूरे इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी आयुर्वेदिक सीट्स होती हैं गवर्नमेंट की, उसको 15% उसकी जो सीट्स है वो AAACC जो है वो फिल करवाता है, यानी कि सेंट्रल आयुष काउंसलिंग के थ्रू जो वो फिल की जाती है पूरे इंडिया की गवर्नमेंट की 15% सीट्स। उसके बाद नंबर टू पे क्या बात करते हैं हम, नंबर टू के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसकी सारी की सारी जो सीट्स हैं वो AAACC द्वारा ही जो है फिल की जाती हैं। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सारे के सारे AAACC द्वारा ही अपनी काउंसलिंग को फिल सीट्स करते हैं। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते हैं, जैसे BHU के अंदर आप जाना चाहते हो, NIA के अंदर जाना चाहते हो, ITR जामनगर गुजरात के अंदर जाना चाहते हो, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट और पूरे इंडिया के गवर्नमेंट के 15% जो सीट्स हैं वो AAACC द्वारा फिल किए जाते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ जहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हो कि कौन कौन सी नेशनल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो आपकी जो है इनके थ्रू जो AAACC के थ्रू अपनी जो सीट्स को क्या करती है फिल करती हैं। तो आप इस स्क्रीन शॉट को लेके भी रख सकते हो और अच्छे से पढ़ भी सकते हो। तो उसके बाद बात करते हैं नंबर टू, अब हमारे पास आ जाती है स्टेट आयुष काउंसलिंग। अब स्टेट आयुष काउंसलिंग कैसे होती है, देखो बच्चों इनकी सब हर एक स्टेट की अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, तो हर वेबसाइट पे जाके ही आपको इनकी जो आयुष काउंसलिंग करनी होती है। हर स्टेट की अलग वेबसाइट होगी, अलग डेट होती है, अलग टाइमिंग होती है, ऑलमोस्ट तो वैसे इनकी टाइमिंग सेम ही रहती है, एक दो दिन या तीन चार दिन का ही फर्क पड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो स्टेट आयुष काउंसलिंग की स्टेट आयुष वेबसाइट इनकी अलग से वेबसाइट होगी आपकी, पहले ये चीज होगी। अब जितनी भी बची हुई 85% गवर्नमेंट सीट्स होती हैं वो सारी की सारी स्टेट आयुष काउंसलिंग खुद अपनी अपनी स्टेट्स की क्या करता है फिल करता है। 15% सीट्स आपकी इधर चली जाती है, जो बची हुई 85% जो सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो स्टेट अपनी खुद से खुद फिल करता है। जैसे मान लो मैं पंजाब से हूं, तो पंजाब की जितनी भी 85% सीट्स होगी वो पंजाब की आयुष काउंसलिंग वेबसाइट पे जाके मुझे जो है उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और वहीं पे सही मुझे उसकी जो है काउंसलिंग करनी पड़ेगी और वहीं से मुझे उसकी क्या मिलेगी, सीट मिलेगी आयुर्वेदिक कोर्सेज के अंदर। उसके बाद जितनी भी सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती है 85% वो भी सारी स्टेट आयुष काउंसलिंग खुद ही फिल करता है, और बची हुई 100% प्राइवेट सीट, जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ साथ जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसकी 100% जो सीट्स हैं वो सारी की सारी स्टेट आयुष काउंसलिंग के द्वारा ही फिल हो गई है। यानी कि जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जाना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं आयुर्वेदिक कोर्सेज के अंदर, बीएमएस के अंदर, बीएचएमएस, बीयूएमएस, जितने भी आयुर्वेदिक हमारे पास कोर्सेज है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको स्टेट आयुष काउंसलिंग की जो है वो वेबसाइट पे जाकर अपनी काउंसलिंग यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी जिस भी स्टेट से आप जो है वो बिलोंग करते हो। अब 100% जो प्राइवेट सीट्स होती है इसमें भी दो कोटे होते हैं, एक होता है 85% कोटा, एक होता है 15% कोटा। अभी 15% कोटा कौन सा होता है, 15% कोटा वो होता है कि अगर मान लो
मैं पंजाब से हूँ और मुझे यूपी में जाके एडमिशन लेनी है, तो मुझे जो अगर यूपी में दूसरी स्टेट में जाके एडमिशन लेनी है तो मुझे इस 15% वाले कोटे के अंदर जो है वो एडमिशन मिलेगी, ठीक है। यानी कि अदर स्टेट्स वालों के लिए ये होता है, अदर स्टेट्स, ठीक है, ये अदर स्टेट्स वालों के लिए होता है। और बाकी की जो 85% सीट्स होती है वो खुद के जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए होती है। बात समझ लगी? अगर मान लो मुझे किसी दूसरी स्टेट में जाके एडमिशन लेनी है तो मुझे जो एडमिशन मिलेगी वो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मिलेगी, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, आप किसी दूसरी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप सीट नहीं ले सकते। अगर आपको किसी दूसरी स्टेट में जाके गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट लेनी है तो आपको ये वाली काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ऑल इंडिया 15% कोटे वाली। इसके अंदर आप कहीं पर भी जाकर किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है और प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप सीट लेना चाहते हो तो दूसरी स्टेट के अंदर, तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही वहां पे मिलेगा और 15% सीट्स जो है वो अदर स्टेट्स की आप यहाँ पे इस कोटे के अंदर फिल कर सकते हो। जो बची हुई 85% सीट्स होती हैं वो खुद की स्टेट के बच्चों के लिए होती है, जैसे मैं पंजाब से, तो ये 85% सीट्स जो हमारे लिए होंगी और ये 15% जो सीट्स है अगर हमारी स्टेट में कोई दूसरा स्टेट का बच्चा आके पढ़ना चाहता है तो वो भी आपके लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी अगर आपको मेजर डिफरेंस इनमें जाना है तो वो नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को अच्छे से आप जो है अच्छे से समझ के एक एक स्टेप को देख सकते हो। तो आई होप आपको दोनों प्रोसीजर अच्छे से ये समझ लग गए होंगे। इधर ये सेंट्रल आयुष काउंसलिंग जो EEEC वेबसाइट के ऊपर होता है और ये हमारे पास होती है स्टेट आयुष वेबसाइट, ठीक है, जो आपकी अपनी स्टेट्स के लिए काउंसलिंग करवाता है, या फिर अगर आप दूसरे स्टेट के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो उनके लिए होता है 85% सेमी गवर्नमेंट सीट, 85% गवर्नमेंट कॉलेज सीट। और एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने वाले हो, कैसी इनकी कॉलेज की कट ऑफ रहती है, कब कब इनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब क्लोज होगी, फर्स्ट राउंड में क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कैसे आपको सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है, किस कॉलेज के लिए आपको अप्लाई करना है, किस कॉलेज के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाली सारी की सारी काउंसलिंग के रिलेटेड अपडेट, एडमिशन के रिलेटेड अपडेट सारी की सारी आपका भाई आप तक इजीली जो है वो पहुंचा सके। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की, अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर को लेकर। देखो बच्चों, अभी जो हमारे पास नीट 2024 कंडक्ट हुआ है तो उसके बिहाफ पर आपको पता है हमारी जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई गई है, तो मैं उसी के बिहाफ पर आपको बता रहा हूं। मे बी रीनीट दोबारा से हो जाए तो दोबारा से नई कट ऑफ हो जाए, परसेंटाइल आपकी नीचे गिर जाए, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास रिजल्ट आया उसके बेसिस पर मैं आपको इसका एडमिशन का प्रोसीजर बता रहा हूं। तो अगर आपको एडमिशन लेनी है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर तो मिनिमम आपके पास जनरल EWS अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम आपके पास 164 मार्क्स जो आपके पास होने चाहिए, तभी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाता है इतने नंबर्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस का ध्यान रखना है कि कौन कौन से अच्छे हैं, कौन कौन से को मान्यता प्राप्त यानी ऑर्गेनाइज्ड है या फिर नहीं है, वो सब कुछ आपका भाई आपको बताएगा। इसलिए वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इन सब केसेस में बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होता है। क्योंकि कुछ लोग आपको मैसेजेस करेंगे, कॉल करेंगे, फिर बोलेंगे अगर आपके 150 मार्क्स बन रहे हैं या फिर 100 मार्क्स बन रहे हैं, 110 मार्क्स बन रहे हैं तो हम आपको एडमिशन दिलवा देते हैं। तो ऐसे आपको किसी भी फ्रॉड के अंदर नहीं फंसना है, बिना इसके मिनिमम मार्क्स के, इससे नीचे मार्क्स से आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, ना ही आप किसी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस चीज की अंदर मत फंसना, फ्रॉड होते हैं ये सब, आपका फालतू में पैसा जो है वो फंस जाएगा। उसके बाद अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हो तो आपके पास 129 नंबर यानी कि 129 मार्क्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए इन आयुर्वेदिक कॉलेजेस के, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए, नीट काउंसलिंग के अंदर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज का बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि कैसे डोमिसाइल की नीड पड़ेगी। देखो बच्चों, अगर आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपको कोई भी डोमिसाइल की नीड नहीं है, चाहे आप कोई दूसरी स्टेट से भी आ रहे हो, चाहे आप खुद की स्टेट पे भी हो, प्राइवेट कॉलेजेस वाले जो है उनको डोमिसाइल की नीड नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, तो आपके पास अपनी स्टेट का जो है डोमिसाइल होना मस्ट कंपल्सरी है। बिना डोमिसाइल के आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए 100% के 200% कंपलसरी है कि आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अगर प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो डोमिसाइल की कोई भी नीड नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे पास जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है वो क्या क्या होता है। देखो बच्चों, काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके को क्या करनी पड़ती है, अपनी फी पेमेंट करनी पड़ती है। फी पेमेंट हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास रजिस्ट्रेशन फी। रजिस्ट्रेशन फी की अमाउंट होती है आपकी 1,000 से 2,000 के बीच में। ये हर स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है। EEEC की फिलहाल के लिए पिछले सालों तक 1,000 रुपया थी, मे बी इस साल चेंज भी हो जाए या फिर 1,000 भी रह सकती है। लेकिन यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब, हरियाणा, तो बाकी स्टेट के हिसाब से अलग अलग रहती है। किसी की 1,500 रहती है, किसी की 1,000 रहती है, किसी की 2,000 रहती है।
ठीक है, यानी कि 1000 से 2000 के बीच बीच में आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रहती है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर। इसकी ये होता है आपकी सिक्योरिटी अमाउंट होती है जो हर इंसान को, हर बच्चे को जो डिपॉजिट करवानी पड़ती है, जो आपकी आपकी होती है 50,000। ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि मैक्सिमम स्टेट की 50,000 ही रहती है। लेकिन इसकी बहुत बड़ी कंडीशंस होती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ स्टेट्स के अंदर तो ये सिक्योरिटी अमाउंट जब आपको एडमिशन मिल जाती है, आपको किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाती है, तो ये वापस आ जाती है। लेकिन कुछ कॉलेज क्या कर लेते हैं, इसको फी के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है कॉलेज कॉलेज के ऊपर। लेकिन अगर आप काउंसलिंग के अंदर कोई गड़बड़ी कर देते हो या फिर एडमिशन लेने के बाद कोई सीट को छोड़ देते हो, तो इन सब केसेस के अंदर आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो आपको वापस नहीं की जाएगी, जब्त कर ली जाएगी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट, फिर आपको किसी भी कंडीशन के अंदर वापस नहीं मिलेगी। अगर आप किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके छोड़ देते हो या फिर आप कोई गलत फॉर्म फिल कर देते हो या फिर आप कोई नेगेटिव कैटेगरी के अंदर आ जाते हो, तो इन सब केसेस के अंदर आपकी जो है सिक्योरिटी अमाउंट को जब्त कर लिया जाएगा और आपको सारी के सारी काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। फिर ना आप सेंट्रल की काउंसलिंग कर पाओगे, ना ऑल इंडिया की काउंसलिंग कर पाओगे, ना आप अपने स्टेट की काउंसलिंग कर पाओगे। सारी की सारी काउंसलिंग से आपको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए बोला चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कैसे कैसे काउंसलिंग करनी है सब कुछ आपका भाई आपको बताएगा, किन किन बातों का ध्यान रखना, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। एक गलती आपको सारी सारी काउंसलिंग से जो वो बाहर भी कर सकती है और आपकी सिक्योरिटी अमाउंट को जब्त भी करवा सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार का रिस्क आपको नहीं लेना है अपने आप, ठीक है। तो इसलिए बोला चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसके साथ साथ एक और यूनिवर्सिटीज होती है जिनको हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता, सारे बच्चों को यही पता होता है कि एक गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं और एक प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, इन दोनों कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलती है। नहीं बच्चों, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के साथ साथ हमारे पास एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी होती है जहां पे आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो। अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी होती है, क्या इनमें डिफरेंस होता है, इन सब चीजों का लिंक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में क्या डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं कुछ ओपन और क्लोज स्टेट के बारे में। अब ये ओपन और क्लोज स्टेट्स क्या होती हैं वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो बच्चों, ओपन स्टेट वो स्टेट्स होती हैं जहाँ पे कोई भी स्टेट का बच्चा जाके एडमिशन ले सकता है। ये हर स्टेट के बच्चों को क्या कर देती है, अलो कर देती है कि आप हमारी स्टेट में आओ और एडमिशन ले लो। उसके बाद आती है सेमी ओपन स्टेट। ये क्या करती है, ये पहले एक दो राउंड्स के लिए या फिर अगर इनके पास कुछ सीट्स बच जाती हैं तो ये क्या कर जाती है, ओपन स्टेट बन भी जाती है, कभी क्लोज हो जाती है कभी ओपन हो जाती है, तो डिपेंड करता है। उसके बाद क्लोज स्टेट, ये सारी क्लोज स्टेट है जो आपको कभी भी अलाउ नहीं करती, ये सिर्फ अपनी स्टेट के बच्चों को एडमिशन देना चाहती है, बाकी किसी भी स्टेट के बच्चे यहाँ पे जाके एडमिशन नहीं ले सकते। ये सारी की सारी क्लोज स्टेट है। कौन कौन सी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद केरला, कर्नाटका, उसके बाद नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। ये सारी की सारी की आपकी कौन सी है, ओपन स्टेट है, यहाँ पे कोई भी स्टेट का बच्चा जाके एडमिशन ले सकता है। उसके बाद सेमी ओपन स्टेट कौन सी होती है हमारे पास, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। यहाँ पे ये पहले राउंड में या सेकंड राउंड में आप एडमिशन ले सकते हो या फिर सीट्स ओपन हो जाए बच जाए तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद क्लोज स्टेट जहाँ पे कोई भी स्टेट का बच्चा इनकी स्टेट के अलावा एडमिशन नहीं ले सकता, जैसे कि असम, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा। महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है, अगर इनके पास सीट्स बच जाती है लास्ट के अंदर तो ये ओपन स्टेट बन जाती है, लेकिन तभी बनती है अगर इनके पास सीट्स बच जाती हैं तो आई होप आपको ये सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा। इसके अंदर मैंने आपको हल्का फुल्का टच दे दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके कि आपको जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो एक्चुअल में कंप्लीट करना कैसे। बाकी डिटेल में सारी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी एडमिशन का प्रोसेस आपका भाई आप तक पहुंचा सके अच्छे से और आपको किसी भी प्रकार की जो गलती ना हो इन फ्यूचर एडमिशन लेने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।